विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। येषां उत्साह भी भरती है, विजय का विश्वास भी भरती है और त्याग और तपस्या के प्रति सर झुकाने के लिए मजबूर भी करती है। भाइयों और बहनों, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। भाइयों और बहनों, 2014 में मुझे शपथ लेने के कुछ ही महीने के बाद कारगिल जाने का अवसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले